इस प्रकार हम गोल गोल इसकी गोले बना, ये देखिए थोड़ी सी तो हमारी चाट टिकिया छोले चाट बनकर तैयार। आज हम आलू टिकिया बनाने के लिए पहले सबसे पहले पानी को बॉईल करके कुकर में आलू चढ़ा देते हैं। तो हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और हमने ये 5 आलू लिए हैं, जिससे कि हम 3 जनों की हम इससे टिकिया बना सकेंगे। और ये बॉईल होने के बाद हम इसे टिकिया में काम में लेंगे। तो 10 मिनट बाद फिर हम आलू को बॉईल हो जाएंगे तो उसको हम टिकिया बनाने में काम में लेंगे। हमने आलू बॉईल करने के लिए रख दिया है टिकिया के लिए। आलू बॉईल होए जब तक हम प्याज उसके ऊपर चाट के ऊपर टॉपिंग के लिए प्याज टमाटर को बारीक बारीक टुकड़े करके रख देते हैं। धनिया लिया है हमने, हरी मिर्ची ली है, टमाटर लिया है और हमने इमली को भी बॉईल होने रख दिया है इमली की चटनी बनाने के लिए। और इसी के साथ हमने हरे धनिया की चटनी भी बनाएंगे, जो कि हमने अभी ताज़ा फ्रेश बना के इसको रख दी है। आलू टिकिया में डालने के लिए हम ब्रेड क्रम्स के लिए ब्रेड क्रम्स भी तैयार कर लेते हैं। ब्रेड क्रम्स में लिए हमने ब्रेड को ड्राई कर लिया है, सुखा लिया है अच्छे से, उसको हम ओवन में भी सुखा सकते हैं। और यदि ब्रेड बच जाए तो उसे हम फ्रिज में रख के उसको एज सच डब्बे में बंद करके भी पड़े रख रहे हैं तो भी ब्रेड सूख जाती है। इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं और इस तरह से जो ब्रेड क्रम्स तैयार होते हैं इसको हम आलू में मैश करके डाल सकते हैं। ये आलू को मॉइस्चर कम करने में काम आती है, या इसको हम आलू थोड़ा कड़क हो जाता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है ब्रेड क्रम्स, जिससे हमारी टिकिया अच्छी कड़क बनती है। आलू टिकिया बनाने के लिए हमने पहले आलू बॉईल कर लिए और इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। हम चाहे तो कद्दूकस से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी हम अच्छे से मैश कर सकते हैं, कद्दूकस से भी अच्छे हो जाएंगे। इस तरह से हम मैश कर लेते हैं इसको। इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देते हैं, 1.5 हरी मिर्ची हमने काट डाली है इसमें। थोड़ा सा हम सिका हुआ जीरा पाउडर डालते हैं, 1/2 चम्मच टीस्पून हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक थोड़ा टेस्ट भी करके देख सकते हैं बाद में। 1/2 टीस्पून धनिया डालते हैं और थोड़ी सी 1/4 चम्मच या ज़्यादा टेस्ट के अनुसार, मेरी मिर्ची लाल ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए ज़्यादा डाल दी मैंने, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं। और हम आलू की मॉइस्चर को कम करने के लिए, इसके पानी को बाइंडिंग कैपेसिटी लाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ये ब्रेड क्रम्स डालते हैं, ब्रेड का चूरा डालते हैं जो कि हमने ब्रेड को सुखा के और पीस के बनाया था। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया बारीक बारीक काट के हरा धनिया डाल देते हैं, जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। हरा धनिया डालने के बाद थोड़ा सा हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लावर या हम चाहें तो इसमें अरारोट का आटा भी डाल सकते हैं, या तो उससे इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। हालांकि हमने इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाले हैं, लेकिन थोड़ा सा हम यदि कॉर्नफ्लावर भी डालेंगे तो इसकी टिकिया बहुत ही अच्छी बाइंडिंग कैपेसिटी वाली और कड़क कड़क बनेगी, इसलिए हम थोड़ा सा 1 टीस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल देते हैं,
जिससे कि बहुत ही क्रंची और अच्छी ये आलू की टिकिया बन के तैयार होगी। ये सब डालने के बाद इसको हम ऐसे मैश कर लेते हैं। ऐसे करने के बाद हम आलू को टिकिया को हाथ से करके तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए सब इसको तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार हम गोल गोल इसकी गोले बना कर रख देते हैं और जब बनाएंगे तवे पर तो हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से चपटा कर लेंगे ताकि वो अच्छे से सिक जाएगी। सारी टिकिया बनकर तैयार है हमारी। अब हम इसको, हम चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और चाहें तो हम सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी सैलो फ्राई कर रहे हैं। 2-3 चम्मच हम टीस्पून इस पैन में ऑयल डाल देते हैं और इसे गरम होने देते हैं। ये तेल गरम हो गया है, हम इसे हम थोड़ी थोड़ी सी दबा देते हैं तो अच्छे से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसलिए अच्छे से सिक जाएगी। जब ये नीचे थोड़ा इसका आँच हम मीडियम पे कर देते हैं ताकि वो जले ना और अंदर से अच्छे से सिक जाए। 2 मिनट हो गए हैं इसको, 3 मिनट हो गए हैं करीब। इसको हम थोड़ा सा एक बार पलट देते हैं सब टिकिया को। ये देखिए थोड़ी सी लाइट ब्राउन होने लगी है। हमने इसको बिल्कुल कम आँच पर सेक रखा है ताकि वो अंदर से अच्छे से सिक जाए। हम थोड़ा सा इसको, इन टिकिया को भी थोड़ा दबा देते हैं वापस। तो हम देखते हैं कैसे हम टिकिया बनाते हैं। टिकिया में सबसे पहले हम छोले, जो हमारे से पहले हमने पहले से ही बना रखे हैं छोले, और ये मीठी चटनी, इमली की मीठी चटनी डालते हैं। उसके बाद दही, जिसे हम पहले से फेंट कर उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल के इसका थोड़ा सा मीठा कर लिया है हमने, दही लेते हैं। दही के बाद इसमें हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालते हैं, थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। अब हम थोड़ा सा इसमें काला नमक डालते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें हम थोड़ी ग्रीन चटनी डालते हैं, जो कि हमने धनिया, हरी मिर्ची, पुदीना डालकर और लहसुन डाल के बनाई है थोड़ी सी। अब हम इसमें प्याज, कटा बारीक कटा प्याज, थोड़ा बारीक कटा टमाटर, बारीक कटा धनिया डालते हैं। तो हमारी चाट, टिकिया छोले चाट बनकर तैयार है। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। आप भी इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।